औरंगाबाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की उस मुहिम की जिसके दम पर टीकमगढ़ की बेटी का चीन जाने का सपना साकार हुआ। आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले की राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खिलाड़ी शिवांगनी वर्मा का चयन चीन के लिए हुआ, लेकिन चीन तक पहुंचने के लिए उन्हें 1.25 लाख रुपए की जरूरत थी। पैसों की कमी के चलते एक बेटी का सपना चकनाचूर होने वाला था, लेकिन मामले की जानकारी मिलने के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने शिवांगनी के सपने को पूरा करने के लिए खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद शिवांगनी की मदद के लिए लोग सामने आए और तकरीबन 1,70,000 रुपए की मदद शिवांगनी को की। बहुत 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 धन्यवाद करना चाहते हैं जी, इसलिए उन्होंने भी उसको दिखाया और बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। परसों हमारे जिले में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के माध्यम से हमको पता चला, उस कार्यक्रम में शिवांगी जी आई हुई थी, उस कार्यक्रम में हमको ऐसा पता चला कि हमारी शिवांगी जी चाइना जाने के लिए सेलेक्ट हुई है, तो उनको आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो हमने वही कार्यक्रम में ही तय किया कि ऐसा ऐसी जो भी उसकी मदद होगी आर्थिक, वो पूरी मदद करेंगे हम उसकी। वहीं शिवांगनी ने अपने मदद के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से चलाई गई मुहिम के लिए धन्यवाद कहा है। शिवांगनी के कोच पी प्रसन्ना ने भी धन्यवाद दिया है। जी न्यूज की वजह से मदद मिली है मुझे बहुत सी, जो मैं जा पा रही हूँ इंडिया, आज मेरा जाने का सपना पूरा होने वाला है, इंडिया जाने का, चाइना जाने का सपना पूरा होने वाला है। जी न्यूज का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनकी वजह से मेरा जो प्रोग्राम था वो हुआ है पूरा। 1,25,000 की जरूरत थी, जो यहाँ के लोगों ने, पदाधिकारियों ने, राजनीतिक लोगों ने सारी सपोर्ट करके पूर्ण किया। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से, और खासकर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी खबर के बाद सारी चीज़ें जी न्यूज़ की वजह से है, जी न्यूज़ की खबर के बाद ही सारा ये चीज़ हुई है। मैं खासकर स्पेशली थैंक्स आपको देता हूँ। टीकमगढ़ की बेटी शिवांगनी मदद मिलने के बाद टीकमगढ़ से नागपुर के लिए रवाना हो गई हैं। शिवांगनी 22 सितंबर से 30 सितंबर तक नागपुर में आयोजित कैंप में शामिल होगी। इसके बाद शिवांगनी 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में आयोजित कैंप में हिस्सा लेंगी। आंध्र प्रदेश में कैंप पूरा होने के बाद कोलकाता जाएंगी, जहां वो 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित कैंप में शामिल होंगी। 18 अक्टूबर को शिवांगनी कोलकाता से चीन के लिए रवाना होगी। नागपुर के बाद मैं कोलकाता जाऊंगी, 5 दिन का कैंप है वहाँ पे, फिर 18 तारीख को मेरी फ्लाइट है चाइना के लिए, फिर मैं वहाँ पे जाऊंगी, आप सबकी मदद से जाऊंगी, जी न्यूज की वजह से जाऊंगी मैं।